बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एफएससी फिजिक्स पार्ट टू के अंदर, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है। एक्चुअली कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर एक ये टॉपिक है छोटा सा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, ये आज हम डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं अभी तक सुना तो वो आप लोग सुन लें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में आइडिया हो और आपको ये पता चले कि हम ये पोलराइजेशन इस कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली क्यों डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूं मैं। हमने ये कंसिडर किया था कि लेट से हमारे पास ये कैपेसिटर की दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम है। अगर एक इंसुलेटिंग मीडियम है तो उस केस में उसकी जो कैपेसिटेंस थी उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आया था। लेकिन अगर हम इसके अंदर इंसुलेटिंग मीडियम कोई और इंसर्ट कर दें तो एज अ रिजल्ट उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो बढ़ जाती थी और वो बन जाती थी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हमने ये समझना है कि उसकी वो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती थी। एक्चुअली उसकी कैपेसिटेंस बढ़ने का जो कॉज था वो ये पोलराइजेशन था। ये पोलराइजेशन क्या होती है इसके आइडिया को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, ये डायग्राम है एक, कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे। लेट से ये वही कंडक्टिंग प्लेट है और ये दूसरी बॉटम वाली कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके दरमियान ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये इंसुलेटर है, और उस इंसुलेटर के अंदर ये डाइपोल्स हैं। डाइपोल्स का मतलब ये होता है कि ये एक सिंगल यूनिट के अंदर एक तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और एक तरफ आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, और ये जो छोटी छोटी एंटिटीज हैं ये यहाँ पे एक तरह से स्कैटर्ड हुई हुई है, और एक तरफ ये चार्ज प्लेट है, एक तरफ अभी यह तक वैसे ये प्लेट्स चार्ज नहीं है, विदाउट फील्ड है, तो उसके अंदर जो इंसुलेटर मीडियम है उसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर इन प्लेट्स के साथ आप बैटरी लगा देते हैं तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होता है। इस प्लेट के ऊपर लेट से पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये हमने यहाँ पे प्लेस करवाया है तो यहाँ पे आपको इस तरह करके नजर आ रहा है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम था इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये रीअरेंज होके इस तरह की फॉर्म बन जाती है। अब अगर इन दोनों फॉर्म को आप गौर से देखें तो आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो ये है कि इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज की ओरिएंटेशन है वो रेंडम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड है और नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड है। इस केस में ओरिएंटेशन और है, इस केस में ओरिएंटेशन और है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस डायग्राम को देखें तो आपको सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो अपवर्ड अलाइन होते हुए नजर आ रहे होंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो डाउनवर्ड अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ये ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। जब आपने स्विच को ऑन किया यहाँ पे प्लेट पे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ, तो इस पॉजिटिव ने क्या किया कि इस एंटिटी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे उनको अपनी तरफ पुल कर लिया, और नेगेटिव चार्ज जो थे इस प्लेट वाले उन्होंने इन एंटिटीज के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुए और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो अब ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस एक्चुअली एक आइंस एक तरफ स्कैटर्ड हो गए हैं, एक तरफ अलाइन हो गए हैं, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। अब शायद यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट क्यों नहीं हुए, तो उसकी वजह ये है कि जो हमने मीडियम रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब वो एटम से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ अपनी एक तरह से ओरिएंटेशन थोड़ी सी इस तरह करके मैनेज करते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ पुल अप हो जाए और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था ये पोलराइज हो जाता है
और पोलराइज होने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है वो भी हम देखते हैं। तो आप दोबारा गौर से इन दोनों डायग्राम्स को देख लें, ये बिफोर पोलराइजेशन है और ये आफ्टर पोलराइजेशन है, और ये पोलराइजेशन हुई किस वजह से है, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया है, और वो एक्सटर्नल फील्ड कैसे प्रोवाइड किया है, वो बैटरी के थ्रू हमने प्रोवाइड किया है। फिर इसके बाद इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती किस वजह से है, तो उसका जो एक्चुअली मेन कॉज है वो ये पोलराइजेशन है। और जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में हमने देख लिया कि पोलराइजेशन होती कैसे है, यहाँ पे हम डाइपोल को डिफाइन कर लेते हैं। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये नीचे डायग्राम में आपको सारे डाइपोल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक ही एटम के अंदर, लेकिन वो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करके हो गए हैं कि वो पूल्स बना लेते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस तरह करके ये जो एक नई एंटिटी बनाते हैं उस एंटिटी को बोला जाता है दैट इज डाइपोल। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है ये एक इंडिविजुअल वन डाइपोल है। डाइपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब है टू, और पोल का मतलब है चार्जेस, दो तरह से चार्जेस है इसके अंदर। तो ये डाइपोल जो है उसका आइडिया है। इसके बाद अगर पोलराइजेशन को हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पे ज़हन में ये रखना है कि स्प्लिटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अलहदा हो गए हैं, स्प्लिटिंग का मतलब ये नहीं है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि उनके दरमियान थोड़ी सी सेपरेशन हुई है, और एक तरह के चार्जेस एक तरफ हो गए और दूसरी तरह के चार्जेस जो है वो दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, और ये कब होगी, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही पोलराइजेशन हुई थी, जो इस डायग्राम में हमने देखा था। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे और कैपेसिटेंस की तरफ जाते हैं कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले जब पोलराइजेशन होती है तो उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज क्यों करती है, उसकी वजह ये है कि जब चार्ज जो है वो प्लेट के नजदीक जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट पर यूनिट एरिया जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर पर यूनिट एरिया चार्ज रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई। तो पहला फैक्टर जो है वो ये है। इसके बाद इसके रिड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला था, ये रिलेशन है, इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिड्यूस कर जाती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस करती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, और ई और डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर पोटेंशियल भी रिड्यूस कर गया तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर गई। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इन दैट केस जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो है ये पोटेंशियल में कमी आई है, और इस पोटेंशियल की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो रिड्यूस हुई है। यहाँ पे ज़हन में आपने ये रखना है कि ये जो पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है, उसकी वजह से ये फर्क पड़ा। अगर आप इसको स्कीमेटिकली देखना चाहें तो ये एरोज की फॉर्म में इसको समझा जा सकता है। डाउन एरो का मतलब है कि ये वाला फैक्टर रिड्यूस हो रहा है। कौन सा फैक्टर सबसे पहले रिड्यूस हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर क्या रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड वीक हो गया। फिर क्या रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, और एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस क्या कर गई, वो इंक्रीज कर गई। तो इस तरह करके स्कीमेटिकली भी आप इनको समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो कैसे इंक्रीज करती है। अगेन मैं बताता चलूं, पोलराइजेशन की वजह से सबसे पहले क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिड्यूस करेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस करेगा, और एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इन सब के जो रिलेशन हैं वो आपको इन डायग्राम्स के थ्रू मैंने शो करवा दी है, पोटेंशियल फील्ड और कैपेसिटेंस ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और ये था आइडिया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस का।